Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And this time, in the continuation of my last lecture, that is Education for the Disabled or Disadvantaged Sections, in this time, I am going to discuss with you all the constitutional provisions for education. Okay, so let's start. हम लोग बात करने जा रहे हैं संवैधानिक प्रावधानों की जो शिक्षा के लिए दिए गए, तो कोई सीधे सिर्फ हम संविधान के आपको आर्टिकल्स बताएंगे, बस इतना ही आपको याद करना है। बाकी इसकी पृष्ठभूमि क्या है ये आप जान चुके हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता और सबको शिक्षित करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, चाहे उसको कोई भी विसंगति हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी शॉर्टकमिंग हो उसके साथ, तो इसीलिए ये सारे कानून, ये प्रावधान, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स की बात कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आर्टिकल लिख के, मतलब आर्टिकल का स्टेटमेंट लिख के पूछ देंगे ये किस आर्टिकल में कहा गया है। तो आपको आर्टिकल बिल्कुल सही सही याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है। या आप क्वेश्चन लिख रहे हो, आप इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो, आप माइनॉरिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप डिसेबल्ड स्टूडेंट्स की शिक्षा की बात कर रहे हो, तो आपको आर्टिकल याद होगा, तो आप आंसर लिखते वक्त कोट कर सकते हैं कि देखिए संविधान में भी ऐसा कहा गया है। इसलिए ये आर्टिकल सही संख्या के साथ याद करना आपको जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल 14 से। इसने क्या कहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजर में सब समान है। समझ में आ रही बात, इट स्टेट्स, और भाषा बिल्कुल हमको सटीक वैसे ही याद करनी है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत है, जैसा कि लिखा गया है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी भारतीय परिक्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं करेगा कि हम कानून के सामने आपका इक्वल प्रोटेक्शन संभाल नहीं पा रहे, ये आपको मना नहीं कर रहे, यानी कि सभी बराबर है। पहली बात, the right to equality is intended to ensure that the powers of the state are not used in any discriminatory way. यानी राज्य अपनी शक्तियों को किसी विभेदीकृत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको सबके लिए समान रहना है। In relation to education, और चूंकि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे equality before law में हम शिक्षा को रखेंगे कि अगर शिक्षा के परिदृश्य में देखें, संबंध में देखें, तो इट रेगुलेट रूल्स ऑफ एडमिशन एंड दिस इट एक्ट्स फॉर इंश्योरिंग रीच ऑफ एजुकेशन टू ऑल। यानी कि सब तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ही रखा गया है कि सभी समान हैं, सबको आप एडमिशन देंगे, किसी को डिनाई नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, दिस आर्टिकल गारंटीज द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ। इस आर्टिकल में कहा गया कि आप किसी के संग विभेद नहीं कर सकते, किस किस ग्राउंड पे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किस जगह उसका जन्म हुआ, इसके आधार पर राज्य किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। इट ऑल्सो इंश्योर्स इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। यानी कि जब आप इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं, तो आप आर्टिकल 15 को कोट करेंगे। वहां इसलिए नहीं बताया था कि वो बहुत सारे लॉ, बहुत सारे आर्टिकल आ जाते हैं ना, तो आर्टिकल सब एक साथ पढ़िए, कंसेप्ट अलग समझिए। जब कंसेप्ट का डिस्क्रिप्शन लिखिए तो आर्टिकल बताते चलिए। या आर्टिकल आपको इतना सही याद है तो जब पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में आर्टिकल 14 क्या है, आपको बताना चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 क्या है, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। आर्टिकल 15(4) क्या कह रहा है, इनेबल द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इंक्लूडिंग एससीज एंड एसटीज। यानी कि आर्टिकल 15 में ही जो चौथा नंबर है वो कह रहा है कि एससी और एसटी के लिए हम शिक्षा के लिए स्पेशल प्रोविजन करेंगे। फिर आर्टिकल 16(1) क्या कह रहा है, गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यानी कि राज्य किसी को भी रोजगार देते समय, किसी का अपॉइंटमेंट करते समय सबको समान देखेगा, ये आर्टिकल 16(1) में। यानी आर्टिकल 16(1) एम्प्लॉयमेंट के लिए है। आर्टिकल 16(4) द गवर्नमेंट कैन मेक रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सिटीजंस। यानी कि चूंकि सबको बराबर करना है तो भाई जो पीछे है उसको आप अधिक दीजिए तब तो वो बराबर होगा, इसके लिए उसके रिजर्वेशन की बात आर्टिकल 16(4) में कही गई है। फिर आर्टिकल 21(a) इतनी बार बात हो चुकी है, अब तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए कि आर्टिकल 21 क्या है, इंसर्ट किया गया है। कब इंसर्ट किया गया, 86 में संशोधन के, जो 2002 में आया, और इसी के तहत आरटीई आपका आया है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 इयर्स इन ए मैनर एज द स्टेट मे बाय लॉ डिटरमाइन। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, ऐसे दिस आर्टिकल हैज अकॉर्डेड एजुकेशन द स्टेटस ऑफ राइट। इसके पहले शिक्षा कानूनी अधिकार नहीं था, उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखा गया था स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था, पर इसके बाद से ये कानूनी अधिकार हो गया, इसलिए फंडामेंटल राइट में आ गया, इसलिए इंसर्ट किया गया क्योंकि पहले था नहीं। तो संविधान में आप सिर्फ कुछ इंसर्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि जो उसकी मूलभूत ढांचा है आपको उसको छेड़ नहीं सकते, तो इसलिए आर्टिकल इंसर्ट किया गया। और इसमें कहा गया कि आप
एलिमेंट्री लेवल तक की एजुकेशनल एक्सपेंशन सबको देंगे। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड, ये केस में लिख भी दिया है कि जब संविधान की रचना हुई तो जो आपकी शिक्षा थी उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 में अंडर पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, यानी कि संविधान के चौथे भाग के 45वें अनुच्छेद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में शिक्षा को रखा गया था, जो कि 86 में संशोधन 2002 के बाद ये फंडामेंटल राइट हो गया और 21A का इंसर्शन हुआ है। आर्टिकल 24 क्या है, स्टेट्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट। वो कह रहा है चूंकि आपको क्या करना है, सबको शिक्षा देनी है, तो भाई आप बच्चा कहीं बाल श्रम में इन्वॉल्व होगा तो शिक्षित कैसे होगा, यानी कि ये भी कहा गया कि 14 वर्ष से कम के किसी भी बच्चे को आप कहीं कोई रोजगार में, किसी हजार्डस, किसी नुकसानदेह, किसी कोल फैक्ट्री में, किसी माइन फैक्ट्री में आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया, रिलीजियस एजुकेशन की बात है, द इंस्टीट्यूशंस रन बाय द स्टेट विल नॉट प्रीच एनी रिलीजन और गिव रिलीजियस एजुकेशन नॉर विल दे फेवर पर्सन ऑफ एनी रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर आप कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, धर्म के बारे में प्रीच नहीं करेंगे, ऐसा है। दिस इज हैज बीन डन टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म, क्यों, क्योंकि हमने सेक्युलरिज्म को माना है, हमने कहा है कि हम सेक्युलर रहेंगे, मतलब किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करेंगे, इसलिए ये धर्म निरपेक्षता जिसकी बात की जाती है, इसलिए आर्टिकल 28 में ये कहा गया कि कोई भी स्कूल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, जो कि स्टेट फंडिंग से गवर्न है। अगर आपने आपका अपनी फंडिंग से चल रहा है तो आप दे सकते हैं, जैसे कि होते हैं ना कुछ मदरसा मकतब और आपके क्रिश्चियन मिशनरीज जो चलाते हैं, स्टेट फंडिंग से है तो आप रिलीजियस एजुकेशन नहीं दे सकते, ये बात है। फिर आर्टिकल 46 ये भी बहुत पूछा जाता है, ये क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट, साफ साफ लिखा है संविधान में कि स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर स्पेशल केस एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, जो कमजोर तबका है, जो कमजोर वर्ग है, उसके आप आर्थिक और शैक्षिक मतलब हित को ध्यान में रखते हुए आप स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे, और इन पर्टिकुलर एससी एसटी की बात की गई, ताकि उनके संग कोई सोशल इनजस्टिस ना हो। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब ये संविधान की रचना हुई है तो बहुत ही सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, इनजस्टिस था, इसलिए भी ये सब निश्चित करना जरूरी था। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, अब माइनॉरिटीज की बात हुई, अभी वीकर सेक्शन की बात थी, ये सब थी। आर्टिकल 29 पूछा जाता है कि आर्टिकल 29 में क्या लिखा है, ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एक्सप्लिसिट गारंटीज फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम जिनकी संख्या है माइनॉरिटी में है, उनकी हितों के ध्यान में रखते हुए भी राज्य जो है वो काम करेगा। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजंस रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, वो कह रहे हैं कि आप कहीं छोटा सा आपका एक विशेष वर्ग रहता है जिसकी विशिष्ट भाषा है, विशिष्ट आप लिपि इस्तेमाल करते हैं, विशिष्ट आपकी संस्कृति है, तो उसको कंजर्व करना है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट लैंग्वेज और एनी अदर, यानी कि कोई भी ऐसा विद्यालय, कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जो स्टेट फंडिंग से चल रहा है, वो किसी के संग भी भेदभाव नहीं करेगा, और स्पेशली माइनॉरिटीज की बात आर्टिकल 29 में की गई, उनके हितों को सुरक्षित रखना है। फिर आर्टिकल 30 में कहा गया है कि डिटेल्स इज राइट along with protection against discrimination in the receiving of government grants for education are as follows, all minorities whether based on religion or language, चाहे आप अपने धर्म के आधार पर माइनॉरिटी हैं या भाषा के आधार पर हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सके और एडमिनिस्टर कर सके, इसकी बात आर्टिकल 30 में कही गई है। आर्टिकल 350 में क्या कहा गया है कि ये चाइल्ड एड्रेसिंग इधर जाना चाहिए था कि ये भाषा के लिए है कि गारंटीज द राइट ऑफ ऑल पीपल टू यूज ए लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इन रिप्रेजेंटेशंस फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस, आपको अपनी कोई दिक्कत के बारे में बात करनी है तो आप अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। जो संविधान का 7th अमेंडमेंट है जो कि 1956 में आया था, उसमें दो आर्टिकल ऐड किए गए भाषा से रिलेटेड, मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इश्यूज, आपकी भाषा अलग है तो आपके लिए 350A और 350B आया, 350 भाषा के लिए था। फिर माइनॉरिटीज की भाषा सुरक्षित करने के लिए 350A 350B को इंसर्ट किया गया है। 350A कह रहा है कि फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, हमेशा से बात होती रही कि जो प्राइमरी स्टेज की शिक्षा है वो मदर टंग में देनी है, इसकी बात 350A में कही है। वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट मे इश्यू such directions to any state as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities, यानी कि उनकी मातृभाषा सुरक्षित रखनी है और उसी में उनको शिक्षा भी देनी है जो वहाँ के बच्चे हैं। और आर्टिकल 350B क्या कह रहा है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कि भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी है सेक्शन है उसके लिए स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा। फिर आपके आगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसमें आर्टिकल 41 आर्टिकल 45
अब बिफोर 86 में, मतलब 86 में संशोधन के पहले क्या था, आर्टिकल 41 याद कर लीजिए कि ये क्या है, डायरेक्ट स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटीज एंड डेवलपमेंट, यानी कि सभी अपनी क्षमता के अंतर्गत सभी को काम करने की और शिक्षा की समान इफेक्टिव प्रोविजन स्टेट प्रोवाइड करेगा, ये तो आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 45 में क्या है, बीइंग ए वेरी सिग्निफिकेंट आर्टिकल इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दिस आर्टिकल लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द कंट्री। इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ही बाद में आपका कानूनी अधिकार बन गया शिक्षा का, तो नींव यहीं से पड़ी थी। तो 86 में संशोधन से पहले था कि दिस आर्टिकल हैड स्टेटेड दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 इयर्स, यानी कि जब 86 मा संशोधन नहीं आया था उसके पहले इसकी भाषा थी कि राज्य ये कोशिश करेगा कि आप 10 वर्ष के अंतर्गत, यानी कि 1948 में बनाए तो उन्होंने कहा कि 1958 तक हम पालेंगे कि हम सबको फ्री और कंपल्सरी शिक्षा दे सकें। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21 ए, जब आर्टिकल 21 ए आ गया, मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 इयर्स, यानी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आपको एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, ये आर्टिकल 21 ए ने कहा। तो अब आर्टिकल 45 को क्या कह दिया गया, हैज बीन अमेंडेड सो एज टू रिस्ट्रिक्ट इट्स स्कोप टू प्री प्राइमरी एजुकेशन अप टू 6 इयर्स ऑफ एज। भाई आर्टिकल आपका 21 ए 6 से 14 की बात कर रहा है, तो इन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो 45 था उसको कह दिया अप टू 6, यानी कि 6 साल तक, यानी कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है आप अपना स्कोप वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए और वहां तक की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था कीजिए। फिर एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, अब तो आपको बिल्कुल ही याद हो जाना चाहिए एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, ये कह रहा है कि फॉर लॉन्ग शुरुआत से एजुकेशन वॉज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो शिक्षा थी वो कानूनी अधिकार नहीं था। 2002 में 86 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया और 3 चेंजेस किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या क्या, पहला तो आर्टिकल 21 ए जिसको कि राइट टू एजुकेशन कहा गया, ये इंसर्ट किया गया। इसकी भाषा क्या है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 टू 14 इयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट मे बाय लॉ डिटरमाइन, ये इसकी भाषा है कि राज्य मतलब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा, मे बाय लॉ डिटरमाइन, जैसा कि कानून ने कहा है, जैसे सुनिश्चित किया है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू आर्टिकल फॉर आर्टिकल 45 फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, या जिसको आप प्री प्राइमरी एजुकेशन कह देते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो 45 था अब वो अप टू 6 इयर्स या बिलो 6 इयर्स के लिए वो अब रह गया है। आर्टिकल 45 अब हो गया है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 इयर्स, यानी कि 6 वर्ष तक के जब तक बच्चे हो रहे हैं तब तक जो राज्य है वो ये कोशिश करेगा, एंडेवर करेगा, प्रयास करेगा कि वो सबको ECCE दे सके, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्रोवाइड कर सके सभी बच्चों को। और ये और आया है आर्टिकल 51 ए, इसका भी अमेंडमेंट किया गया इन आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर क्लॉज जे द फॉलोइंग क्लॉज वाज एडेड, यानी आई जे के होता है ना, जे के बाद के और जोड़ दिया गया, क्या जोड़ा गया, हु इज ए पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 इयर्स, यानी कि ये पेरेंट या गार्जियन के लिए कि वो आप भी अवसर प्रदान करिए अपने बच्चे को शिक्षित होने के लिए 6 से 14, और राज्य तो करेगा ही करेगा। तो ये 51 ए में अमेंडमेंट करके जे के बाद के और जोड़ दिया गया पेरेंट और गार्जियन के, तो ये 3 यानी आर्टिकल 21 ए का इंसर्शन, आर्टिकल 45 की भाषा बदली और 51 ए इंसर्ट हुआ, ये पूरे 3 संशोधन हुए हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज चेंजेस इन द ईयर 2009 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड बाई द पार्लियामेंट विच वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 1 2010, यानी कि फिर 2009 में ये पास हो गया और फिर 1 अप्रैल 2010 से ये लागू है आपके देश में। 14 साल हो गया 1 अप्रैल ये। So in this way, these are all constitutional provisions for education. आपको बिल्कुल याद होना चाहिए 14, 15, 16, फिर उधर आपका हो जाता है 21, 24, फिर 29, 30, फिर इधर 350, 350A, 350B और directive principles में जो है सब कुछ बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, नहीं सब मिल जाता है आपस में बाद में। So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.